आज के समय पर सबसे बड़ा जो सवाल उभर कर सामने आ रहा है वो यही है कि क्या आपके देखे जाने वाले चैनल्स जो डीडी फ्री डिश में अब बचे हुए हैं, जैसे कि कलर सिनेप्लेक्स सुपर हिट्स, कलर सिनेप्लेक्स बॉलीवुड, एमटीवी बीट्स और अभी हाल ही में लॉन्च किया गया स्टार गोल्ड थ्रिल्स, न जाने ऐसे कितने ऐसे पेड चैनल्स हैं जो डीडी फ्री डिश में आपको देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ये जो है आपके बाकी डीटीएच कंपनीज, इवन कुछ मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स, इसको हम केबल टीवी ऑपरेटर्स भी कहते हैं, उन्हें गवारा नहीं हो रहा है। और इवन ट्राई के चेयरमैन ने भी यहां पर एक सबसे बड़ा बयान दे दिया है कि इन चैनल्स की वजह से डीडी फ्री डिश की आमदनी 2 गुना से 4 गुना हो रही है और जो प्राइवेट डीटीएच प्रोवाइडर्स हैं या केबल टीवी ऑपरेटर्स हैं उन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इसका कारण क्या है, उन्होंने ऐसा क्यों कहा और आने वाले समय में क्या इसका नतीजा ये होगा कि हमारे देखे जाने वाले सभी चैनल्स डीडी फ्री डिश से बाहर हो जाएंगे, पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। चैनल पर आए थे अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त करने के लिए। तो देखिए बताना चाहूंगा कि पहले भी हमारे साथ ऐसा हो चुका है, डीडी फ्री डिश की जनता के साथ पहले भी ऐसा हो चुका है, आपके देखे जाने वाले चैनल्स चाहे वो जी अनमोल हो, स्टार उत्सव हो, सोनी पल हो या फिर हो कलर रिश्ते, इन चारों चैनलों को डीडी फ्री डिश से जो बाहर का रास्ता दिखाया गया था उसका कारण भी यही था कि इन प्राइवेट डीटीएच कंपनीज को, इन प्राइवेट मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स को ये दिक्कत थी कि अगर ये चैनल्स निःशुल्क में यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट में डीडी फ्री डिश पर देखने को मिलेंगे तो ऐसे में होगा क्या, हम जैसे डीटीएच कंपनीज को नुकसान होगा और जितने भी हमारे एक्टिव सब्सक्राइबर्स हैं वो भी डीडी फ्री डिश में शिफ्ट हो सकते हैं। तो इसी स्थिति को देखते हुए यहाँ पर एक रूल जो है वो लागू किया गया कि जो भी मेन चैनल्स हैं इन्हें डीडी फ्री डिश से बाहर कर दिया जाए। और इस बार भी हुआ यही है कि जो चैनल्स है वो डीडी फ्री डिश पर आप देखने को नहीं मिलते, इन्होंने पार्टिसिपेशन भी नहीं किया। बीच में उन्होंने इच्छा जाहिर जरूर की थी, इवन पार्टिसिपेट करके स्लॉट में जीत गए थे, लेकिन एक बार फिर से दबाव होने के कारण इन चैनलों ने विड्रॉ ले लिया लॉन्च होने से पहले ही। तो एक बार फिर से क्या ऐसा ही हालात हमें देखने को मिल सकता है? जी हाँ, ऐसा पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है, क्योंकि ट्राई के द्वारा खुद ही यहाँ पर एक बयान दिया गया जिसमें उन्होंने कहा है कि जो आपके देखे जाने वाले चैनल्स आपको देखने को मिल रहे हैं चाहे वो स्टार गोल्ड थ्रिल्स हो या कोई कलर सिनेप्लेक्स बॉलीवुड हिट्स जो भी हो, इन सभी चैनल्स का जो है फीस डीडी फ्री डिश के पास जा रहा है, क्योंकि डीडी फ्री डिश का एक नियम है कि जो चैनल आना चाहे वो हमारे ई ऑक्शन में भाग लेकर हमें अच्छी खासी पेमेंट कर हमारा स्लॉट खरीद कर अपना चैनल डीडी फ्री डिश पर दिखा सकता है। लेकिन प्राइवेट डीटीएच कंपनीज में या फिर आपके प्राइवेट जो भी मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स चल रहे हैं, केबल टीवी आप कह लीजिए, उसमें होता यह है कि इन कंपनीज को यानी कि डीटीएच कंपनीज हो गई या फिर केबल टीवी ऑपरेटर हो गया, उसे पे करना पड़ता है इन ब्रॉडकास्टर्स को इन चैनलों को दिखाने के लिए। यहां पर उलट है, डीडी फ्री डिश में चैनल डीडी फ्री डिश को पेमेंट करता है, डीटीएच को पेमेंट करता है, और वहां पर जो है डीटीएच कंपनीज को चैनल को पेमेंट करनी पड़ती है। तो इससे प्रॉब्लम ये हो गई है कि उन्हें लगता है कि अगर ये देखे जाने वाले चैनल्स की फीस हम तो चैनलों को पे कर रहे हैं, दूसरी बात है इन चैनलों को जो है सब्सक्रिप्शन जो है फीस भी तय हुआ है जो कि कस्टमर को पे करना पड़ता है तभी वो देख सकता है, जबकि डीडी फ्री डिश बिना तो उसे कोई पेमेंट करनी होगी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट में उस चैनल को देख पाएगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो मुद्दा बना हुआ है वो यही है कि आने वाले समय में हो ये सकता है कि इन चैनल्स पर भी रोक लगाई जा सकती है कि जो भी अच्छे खासे देखे जाने वाले चैनल्स हैं इन्हें डीडी फ्री डिश से बाहर किया जाए और यहाँ पर जो है कोई भी ऐसा मुख्य चैनल डीडी फ्री डिश पर प्रसारित ना किया जाए। बाकी यहाँ पर दोस्तों आने वाले समय में क्या होने वाला कुछ नहीं कह सकते, लेकिन फिलहाल जो कि हालात दिखाई दे रहे हैं उसको कारण तो यही है कि जो भी कंपनी सबकी चल रही है बाकी डीटीएच में वो भी एक आध कंपनीज ही है, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, 2-3 कंपनीज जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है, हर कोई डीटीएच कंपनी जैसा नहीं होती, मैं किसी भी कंपनी का नाम लेना नहीं चाहूंगा यहाँ पर, और कुछ ट्राई का भी यहाँ पर दखलदाजी हो रही है। उन्हें लगता है कि गवर्नमेंट के पास काफी अच्छी खासी जो फीस है वो जा रही है इन चैनल्स की वजह से, जबकि बाकी डीटीएच कंपनीज को नुकसान हो रहा है। वैसे मुझे सबसे बड़ी हैरानी की बात तो यही होगी कि ट्राई एज अ गवर्नमेंट सेक्टर है, क्योंकि वो गवर्नमेंट के रेगुलेशन में आते हैं, तो उन्हीं के द्वारा ऐसा बयान मेरे समझ से परे है, क्योंकि ऑब्वियसली वो भी गवर्नमेंट के सर्वेंट है, दूसरी बात डीटीएच जो है वो भी गवर्नमेंट का है, तो ये थोड़ा सा जो है अपने काम के खिलाफ ही वाली बात हो गई। बाकी देखते दोस्तों आने वाले समय में होता क्या है, लेकिन जो भी होगा मेरे ख्याल से अच्छा नहीं होगा अगर ऐसा हमारे बीच हालात देखने को मिलते रहे। मेरे ख्याल से डीडी फ्री डिश में राइट है कि वो जो चैनल चाहे अपने प्लेटफॉर्म में लॉन्च कर सकता है, इसमें किसी भी तरह की दखलंदाजी तो नहीं होनी चाहिए। बाकी आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। नमस्कार।